नहीं आती है, यूं धक 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 ही होता था। सिलाई चलाऊंगी कैसे क्योंकि आती नहीं। फिर एक दिन गई, दो दिन गई, सब कुछ धीरे 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 गई, इतनी सीख गई कि उसमें अब इंटरेस्ट हो गया। पढ़ाई तो एक्साइटमेंट रख दी मैंने पूरी। और आपकी एक और विशेषता मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हमारी संस्था जो है वो मल्टीटास्किंग है और मल्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, वैसे ये भी घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है सबकी, लेडीज की वो तो सबकी सेम रहती है। उसके बाद इनकी किराना की शॉप है वो भी संभालती है, साइंस फील्ड से है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने सिलाई और ये चीज जो मतलब की लेडीज को अपने जो काम होते हैं वो आने चाहिए वो भी इन्होंने सीखी, प्लस इनको जॉब करने का भी इंटरेस्ट है तो जॉब भी कर रही तपस्वी, मतलब ये भी हमारी मल्टीटास्किंग वुमेन हम कह सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं सोचना, मैं खुद साइंस फील्ड से हूँ तो मुझे ये सब चीजें करने की कहाँ जरूरत है, टेक्निकल फील्ड से हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज को आपको छोटा नहीं समझना चाहिए, अगर आप में स्किल है ये सब एक्स्ट्रा स्किल्स है, और आजकल इन्हीं का जमाना है पढ़ाई, और ये तो इतने डिग्री लेके हो गए और अपन मतलब पढ़ के और पास हो जाते हैं, नंबर ले आते हैं, लेकिन आप में ऐसी कोई एक्स्ट्रा स्किल होगी और लेडीज में तो होती है मैं ये मानती हूँ, बस यही कि आपको पहचानना है कि मेरे में ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा स्किल है जिसपे मैं थोड़ा सा वर्कआउट करूँ और मुझे अच्छी अपनी यूनिक आइडेंटिटी मिले और मैं कुछ अच्छा और भी अर्न कर पाऊँ। ये चीज ऐसा ही है, अभी मेरे दोनों रियल भतीजों का मैंने इसमें नाम भी लिखवाया, मैंने कहा कि उन दोनों को भी अभी इंटरेस्ट नहीं है, कि मैंने कहा तुम जाओगे इसके बाद पता पड़ेगा कि कैसा, मतलब वो सीखने का तरीका भी उनका अलग है और तुम सीख जाओगे इसके बाद तुम्हारा मन कैसा लगेगा, पढ़ाई से हट जाएगा। और ये सब चीजें ऐसी हैं कि मतलब आपने सोची सिलाई है, जैसे अपना ब्यूटी पार्लर हो गया, तो लेडीज के जो खर्चे होते हैं और अपनी जो मतलब जो होता है ना कि भाई अच्छे से अच्छी साड़ी चाहिए या अच्छे से अच्छा ब्लाउज सिला हुआ होना चाहिए, तो वो ही अगर आपको आता है तो ब्लाउज सिलने में कितना टाइम लगता है अपन भी जानते हैं, और वही चीज आप मार्केट में जाओगे किसी सिले वाले 400-500 से नीचे नहीं लेती है, एक पैटर्न वाला ब्लाउज अपन सिलवाते हैं, वो इसी तरह ब्यूटी पार्लर का है, वो भी आप खुद सीख जाओगे, अपना अपने घर वालों का अपना खुद का तो निकल गया ना खर्चा, वो तो आपको कहीं देना नहीं है, तो ये मतलब कितनी सारी चीजें अगर आप एक छोटी सी चीज सीख जाते हैं तो अपना खुद का ही अपन खर्चा निकाल लें तो अपन को कहाँ जरूरत है। अभी 2 महीने हुए थे कि मैं सिलाई छोड़े हुए, मैंने खुद जो ब्लाउज परसों कटिंग के लिए उल्टा सीधा सिल दिया, अब ये जम क्यों नहीं रहा है, वापिस छोड़ा वापिस उसको सही किया, लेकिन वो गलतियां होती रहती है, सुधार करते रहेंगे तो ही जितनी गलती होगी प्रैक्टिस तो अच्छा उसके ऊपर ही है। अब प्रैक्टिस जैसे जैसे मेरी हो रही है अब मेरा हाथ साफ हो रहा है, अब मैंने आज कल 2 घंटे में मैंने ब्लाउज सीख दिया, और जितनी प्रैक्टिस पे डिपेंड है और जितना इंटरेस्ट हो गया तो ही होगा।